हेलो एवरीवन, हैप्पी गार्डनिंग। तो आज की वीडियो पूरी कनेर के प्लांट के बारे में होने वाली है। तो ये जो सबसे पहला आप प्लांट देख रहे हैं, ये मेरा 20 महीने का प्लांट है जो मैंने सबसे पहले लिया था। तो पूरे साल चलने वाला, अच्छे से फ्लावरिंग करने वाले प्लांटों में से एक है ये कनेर का प्लांट। तो मैंने इसकी एक लेने के बाद मैंने इसके प्लांट तीन और लिए हैं। ये देखिए, ये येलो कलर में बताया था उन्होंने, अभी एक महीना पहले गर्मी में ही लगाया था और अच्छे से चल भी रहा है भाई। ये भी मैंने 3 महीने पहले लगाया था और इस पर फ्लावरिंग हो चुकी है। एक बार तो काफ़ी सारी फ्लावरिंग हुई थी, इस पर पिंक कलर की ही हुई थी। वैसे उन्होंने वाइट वाला कह कर दिया था ये, पर इस पर पिंक ही हुई। कोई बात नहीं, पिंक अच्छे लगते हैं, रोज़ जैसे फ्लावर्स आते हैं बहुत सारे इस पर भर भर कर। और ये देख सकते हैं आप, इसमें दूसरे प्लांट भी ग्रो हो गए हैं क्योंकि मिट्टी बहुत ही अच्छी है, तो इसीलिए अदर प्लांट भी इसमें ग्रो हो गए हैं। वो मैं निकाल करके अलग कर दूँगी। और ये नेक्स्ट कनेर का प्लांट है, तो तीन प्लांट इसी तरह की पत्तियों वाले मेरे पास हो गए। सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी है कनेर के प्लांट की कि ये छोटे पॉट में भी काफ़ी बड़े हो जाते हैं। जो 12 इंच के पॉट में है वो प्लांट, वो लगभग 7 फीट उसकी हाइट हो गई है। और ये भी छोटे छोटे प्लांटर में लगे हुए हैं और हाइट दे रहे हैं, इसकी भी 3.5 फीट हाइट है, तो बहुत ही अच्छे हैं। देखिए, बारिश का पानी जम गया, बारिश आई थी रात तो उसी का पानी है। ये मिट्टी आई थी, बहुत धूल मिट्टी थी बारिश में, तो वही इस पर जम गई है। तो ये भी प्लांट जो है इसी तरीके का फ्लावरिंग वाला है जैसे गुलाब के फूल होते हैं। तो ये जो पत्तियों पर आप धूल सी देख रहे हैं, ये बारिश आई थी रात तो उसकी छीटा छाटी सी है। ये पत्तियों पर धूल मिट्टी सी वाली बारिश हुई थी, वो इस पर जम गई है पत्तियों पर। मैंने अभी वॉश नहीं किया प्लांट, शाम का टाइम हो रहा है, 6:30 बज चुके हैं। और तो ये देखिए, प्लांटर में नमी बनी हुई है, मैंने सुबह पानी दिया था और अब तक नमी बनी हुई है क्योंकि आज ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं थी, पूरा दिन कुछ ठंडक सी थी आज मौसम में। तो ये देखिए, ये मैंने एक महीना पहले जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़नी स्टार्ट हुई थी तो मैंने इस तरीके से अपने पॉट जो है मल्चिंग कर दिए थे। इससे राइस के जो छिलके होते हैं ना, ये नज़दीकी सेलर जहाँ पर चावल की कुटी होती है, चावल कुटाई होती है, वहाँ से ये मैंने बच्चों से मंगवाए थे चावल के छिलके। तो फिर मैंने थोड़ी हल्की हल्की सी गुड़ाई करके एक एक दो दो मुट्ठी जो है सभी पॉट में डाल दी थी और उसको मिट्टी में मिक्स कर दिया था ताकि मिट्टी में जो है नमी बनी रहे, डायरेक्ट धूप मिट्टी पर ना लगे और मिट्टी ना तपे, क्योंकि मिट्टी तप जाती है तो फिर उसमें जड़ें भी गर्म होकर, गर्म मिट्टी में जड़ें भी नहीं पनपती और फिर प्लांट हेल्दी नहीं रहता, पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। मेरे कनेर के प्लांट में देखो, जो मैंने सबसे पहले आपको प्लांट दिखाया था, 20 महीने का हो गया, वो अभी तक उसने कोई भी रोग नहीं आया उसमें। मुझे नहीं लगता कि मेरे कनेर के प्लांट में कोई रोग आएगा। मेरे पास 4 प्लांट हो गए हैं लेकिन अभी ना तो इस पर मिली बग या कुछ भी नहीं दिखा मुझको, कोई भी इसमें बीमारी नहीं देखी, बिल्कुल हेल्थी पत्तियां हैं और हाइट भी प्रॉपर बढ़ रही है। ये देखिए, मैंने थोड़ी हल्की हल्की सी इस लकड़ी की सहायता से इसकी थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई कर दी है, ज़्यादा गहरी नहीं करनी है क्योंकि गर्मी है इस टाइम बहुत, तो हल्की हल्की सी करनी है मैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र दूँगी, फर्टिलाइज़र भी कुछ खास नहीं। देखो, हम इस टाइम जो गर्मी में फर्टिलाइज़र देते हैं ना, ये सोच करके हमारे प्लांट बहुत जल्दी हेल्दी हो जाएंगे। देखो, मैंने इतनी सी जगह छोड़ रखी है बस प्लांटर में, क्योंकि मैं ज़्यादा भर भर कर भी पानी नहीं देती हूँ। अब बरसात आने वाली है तो मैं इतना ही स्पेस रखूँगी ताकि बारिश का पानी भी ज़्यादा पॉट में ना भरे। अगर जो हम ज़्यादा गहरा जगह छोड़ेंगे इसमें प्लांटर में, तो बारिश का पानी भी बहुत सारा भर जाता है फिर। तो वैसे तो ड्रेनेज अच्छा रखना चाहिए ताकि नीचे से पानी जाता रहे, कभी कभी ड्रेनेज बंद हो जाता है और वो पानी जो पॉट में भर जाता है ना, वो सारा प्लांट को नुकसान देता है। तो जो मैं फर्टिलाइज़र की बात कर रही हूँ, तो कोई ख़ास फर्टिलाइज़र नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी। और ये देख सकते हैं आप, इसमें कलियाँ ये और ज़्यादा होती चली जाएंगी और बंचीज़ में इसमें फ्लावरिंग होगी बहुत ही अच्छी। और जैसे ही फ्लावरिंग होगी मैं आपको शॉर्ट वीडियो में तो एकदम से दिखाई देती हूँ। तो देखिए, मुझे तो लगता है पिंक फ्लावर ही आएंगे, तो तीन हो जाएंगे फिर मेरे पास ये पिंक फ्लावर्स वाले। कोई बात नहीं, लेकिन सुंदर लगते हैं बहुत ज़्यादा और 12 महीने चलने वाले प्लांट हैं ये, तो इस तरह के प्लांट तो ज़रूरी होने चाहिए। तो देखिए, ये वाली खाद दूंगी मैं आज, ये बिल्कुल इस प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी है, मतलब एक मुट्ठी ये खाद है और ये खाद भी बिल्कुल फ्री की है। जहाँ पर वो होते हैं ना कंडे, कंडे स्टोर करते हैं उसको, क्या बोलते हैं आपके यहाँ, हमारे यहाँ वो बोलते हैं बिटोरा, तो
तो उसको जब वो सारा ख़त्म हो गया था ना किसी के यहाँ, तो उसके नीचे जो चूरा बचता है बहुत पुराना, 1 साल पुराना ये चूरा जो है बचा हुआ पुराना, बिल्कुल मिट्टी में ऐसे ही हो रहा था, देखिए आप बिल्कुल खाद बन चुकी है। तो 1 साल पुरानी ये लगभग कंडों की उपलों की चूरा वाली खाद जो नीचे, जिसमें बैक्टीरिया भी काफ़ी सारे हो जाते हैं और वो इसको डिकम्पोस्ट करते रहते हैं नीचे ही नीचे मिट्टी में, वो मैंने मंगवाई थी। तो देखिए कितनी अच्छी है ये भुरभुरी, और ये मैंने एक मुट्ठी ली है इसके लिए, ये देखिए मैंने इसमें डाल दी है। तो आप देख भी सकते हैं, इसके कलर से ही पता चल रहा है कि ये कितनी अच्छी खाद है। और ये लेयर मैंने इसके ऊपर बिछा दी, हल्की सी गुड़ाई करी मैंने आपके सामने ही एक लकड़ी की सहायता से, ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी है क्योंकि गर्मी है। और गमला मैंने ऊपर तक मतलब स्पेस कम ही छोड़ा है इसमें पानी के लिए, क्योंकि अब बरसात भी आने वाली है, मैं नहीं चाहती कि पूरा पॉट पानी से भरता रहे। तो ये जो लेयर मैंने बिछाई है तो ये इतनी अच्छी रहेगी, एक तो प्लांट में नमी भी बनी रहेगी और मिट्टी हमारी लाइट रहेगी, लूज़ रहेगी, जिससे जड़ें भी बहुत अच्छे से बनती हैं, ठोस नहीं रहती मिट्टी, ऊपर की मिट्टी आपकी बिल्कुल अच्छी रहेगी और तो नीचे भी प्रॉपर उसको सब कुछ मिलता रहेगा, सारे न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे। ये देखिए मैंने वाटरिंग अब इसमें कर दी है, ज़्यादा नहीं करूँगी मैं, 1 गिलास लगभग पानी का मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि इसमें अभी पहले से ही नमी बनी हुई है प्लांट में, प्लांटर में। तो देखिए ये कितना अच्छा खाद का जो है, बहुत ही अच्छे सारा, एक तरह से इसको देख लीजिए पूरे, जैसे हम कंप्लीट खाना खाते हैं ना वो वाला काम करेगा ये खाद इसके लिए, एक वरदान है ये वाली खाद प्लांट्स के लिए, बहुत ही अच्छी। इससे फ्लावरिंग भी अच्छी होती है, पौधा मजबूत हो जाता है, उसके स्टेम्स भी काफ़ी मजबूत हो जाती है, स्ट्रोंग हो जाती है, और पौधे की हाइट भी बढ़ती है और घना भी बनता है। अभी तो मैंने इसकी कोई पिंचिंग वगैरह नहीं की, कनेर के प्लांट अब तक मैंने कोई पिंचिंग नहीं की, वो जो 20 महीने का प्लांट मैंने आपको दिखाया उसमें भी मैंने कोई कटिंग नहीं की, बस हाँ पुराने फ्लावर्स में कट कर देती हूँ और फिर साइडों से अपने आप ही उसमें बिना पिंचिंग किए ही निकलते रहते हैं नए नए शूट्स, और उसी में ही बहुत सारे बंचेज में फ्लावर्स आते हैं। तो सबसे अच्छी बात इन कनेर के प्लांट्स की ये लगती है, पूरे साल फ्लावरिंग करता है और बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करता है, और पत्तियाँ भी हमेशा इस तरीके से फ्रेश रहती है, मोटी मोटी, ना ही तो इसकी पत्तियाँ पतझड़ वगैरह होती है जल्दी से, बस 1 महीना होता है इसका डोरमेंसी का जनवरी में, और ये फिर भी ऐसे डल नहीं होता कि जैसे और प्लांट्स हो जाते हैं। तो आपको कनेर के प्लांट की जानकारी कैसी लगी, आप भी इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत ही सुंदर प्लांट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैप्पी गार्डनिंग।